इंडियन बैट्समैन का नाइटमेयर मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम में लौट आया और मोहम्मद आमिर ने ये स्टेटमेंट दिया कि वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को क्रीज पे रुकने नहीं देंगे। बैगन। ओ भाई, तुम्हारा मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ इंडिया को हराना और उसमें भी तुम कामयाब नहीं हो पाते हो, तभी यहाँ पर 14-1 का मेरे ख्याल से मार्जिन है। 8 मैचेस जो है वो वर्ल्ड कप में हम ऑलरेडी 8-0 से हार रहे हैं इंडिया से ओडीआई के वर्ल्ड कप में, और T20 में मेरे ख्याल से 7-1 का वाला मामला है, वहां पर भी हम कुत्ते की तरह मार खा रहे हैं, एकदम बहुत ही गंदे तरीके से हम धुल रहे हैं। बात करें बाबर आजम की, बाबर आजम पे एक उम्मीद इतनी जरूर है कि वर्ल्ड कप में बाबर आजम रन्स बनाएगा, लेकिन ये गारंटी मैं नहीं देता भाई कि बाबर आजम के जो रन्स होंगे वो टीम के जीत के काम आएंगे, क्योंकि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट हमेशा से हमें मसला लगा है। ठीक है, अब मोहम्मद आमिर का जिस तरह से आप सब लोगों को पता है कि वो हमेशा से इंडियन बैट्समैन के नाइटमेयर्स रहे हैं, ठीक है, और वो इंडिया के बेस्ट बैट्समैन विराट कोहली जो है, इंडिया के क्या मैं कहूंगा कि अभी वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन जो विराट कोहली है, उन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट करी है कि अगर मैं रिसेंट टाइम में किसी को खेला हूं, ठीक है, तो वो मोहम्मद आमिर है पाकिस्तान, और मैं थोड़ा डिफिकल्ट मैं फील करता हूं उनको फेस करता हूं, ठीक है ना। ये हमारे बॉलर को बड़ा एटीट्यूड आया हुआ है ना कि भाई हमारी जो ये वो चल रही है ना, हम नंबर वन बॉलिंग अटैक है, अभी शाहिद अफरीदी का एक स्टेटमेंट आया है, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का नंबर वन बॉलिंग अटैक है, दुनिया में कोई भी टीम डरेगी पाकिस्तान से। यार मुझे एक बात बताओ, जिस बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट आयरलैंड जैसी टीम 190 प्लस कर रही हो, जिस बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट न्यूजीलैंड जैसी टीम 200 से ज्यादा कर रही हो, उस बॉलिंग अटैक की मां बहन भी पड़ी और तुम कहते हो कि वो पाकिस्तान का नंबर वन बॉलिंग अटैक, दुनिया का नंबर वन बॉलिंग अटैक है। बाबर आजम की बैटिंग अगेंस्ट स्पिन मसला है, इसलिए कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मगर जैसे स्पिनर आते हैं स्टैटिक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, चाहे वो लेग स्पिन हो या ऑफ स्पिन हो, या तो उनको स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट कुछ करना है अगेंस्ट स्पिन, या फिर कदमों का इस्तेमाल करके और डोमिनेट करना है, क्योंकि वो डोमिनेशन फैक्टर खत्म हो जाता है जैसे स्पिनर आता है। न्यूयॉर्क के जिस स्टेडियम में पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, पाकिस्तान तो वहां पे एक भी बार नहीं खेला और ना खेलेगा, डायरेक्ट पाकिस्तान ने जाके 9 जून को वहां पे जो है वो इंडिया के खिलाफ खेला, और इंडिया के पास मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया की बेस्ट बॉलिंग एज फार एज स्पिन बॉलिंग इज कंसर्न, उनके पास बहुत तजुर्बाकार बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग है। और जब मोहम्मद आमिर आएंगे, देखो मोहम्मद आमिर अभी आप देखो रिसेंट मैच में जोफ्रा आर्चर रिटर्न हुआ, दुनिया का मैं बोलूंगा खतरनाक तरीन बॉलर जोफ्रा आर्चर, उसने अपना वापसी रिटर्न किया और लोगों ने उसकी फॉर्म देखी। हाँ। कोई कोई बॉलर होता है जिसको एक एक साल लग जाता है फॉर्म वापसी नहीं आती जब कोई आता है अपना ब्रेक से, ठीक है, और कोई कोई होता है जिस तरह से आर्चर जैसा होता है वो एक ही मैच में अपनी फॉर्म ले आता है, ठीक है ना। अब मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के सामने तो सबकी फॉर्म्स आ जाती है, और देखो पाकिस्तान और भारत का जो मैच होता है ना, मैं बोलूंगा कि वो क्रिकेट कम होती है जज्बाती मैच ज्यादा होता है, उसमें अग्रेशन, उसमें एरोगेंस, आपका सारा दिमाग चलता है। अगर आपने इस चीज को, यार विराट कोहली ने मेलबर्न वाले मैच में क्या कंट्रोल किया, उसने पाकिस्तान के बॉलर्स को कंट्रोल नहीं किया, उसने अपना माइंडसेट कंट्रोल किया। अभी रिसेंट हरभजन सिंह ने भी कहा है कि पाकिस्तान के पास बेस्ट बॉलिंग है। भाई देखो बॉलिंग और हमारे वाले प्लेयर्स को चाहिए कि अपने माइंड्स को, अभी इंडिया वाले बोलेंगे कि यार तुम लोग आयरलैंड से तो जीत जाओ, तुम लोग इंग्लैंड से तो हार रहे हो। देखो मैं मान रहा हूँ हार रहे, ठीक है, लेकिन देखो 2022 को जरा रिवाइंड कर दो पाकिस्तान के लिए, जब 2022 में पाकिस्तान मेलबर्न वाला मैच इंडिया से हारी, फिर पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारी, वो सबसे बड़ा एक दुख का लम्हा था पूरे पाकिस्तान के लिए, बाहर हो गई थी पाकिस्तान यार, बाहर हो गई थी, और फिर वही टीम फाइनल खेल रही है 2022 की T20। हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें भी हमारा तुक्का लगा था, और 2021 की जो चैंपियंस वो T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी हमारा तुक्का लगा था, और ये बात हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि हमारी औकात हमें पता है। मैं पाकिस्तानी जानता हूं कि भाई अगर इंडिया वाले अपने पे आ जाए तो वो हमको शायद 100 से नीचे भी ऑल आउट कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने पहले किया हुआ है। आपको याद होगा 2016 के वर्ल्ड कप के अंदर T20 में पाकिस्तान को 83 के ऊपर ऑल आउट कर दिया था टीम इंडिया ने, अगर आप लोग को याद हो तो। आप लोग ये जो नए नवेले कोविड के बच्चे निकल कर आए हो, मतलब जैसे बारिशों में कीड़े निकलते हैं, इस तरीके से पाकिस्तान में ये कोविड में बाबर आजम के फैंस निकल रहे हैं, इन्होंने क्रिकेट देखी नहीं है। मैंने देखी है क्रिकेट, मैंने 2015 वाला मैच देखा था जिसमें 107 रन बनाए थे कोहली ने, मैंने 2012 वाला मैच देखा था जिसमें 183 रन बनाए थे कोहली ने, मैंने 2016 वाला मैच देखा था जिसमें कोई 51 आई थिंक जिस तरह रन बनाए थे कोहली ने। तो भाई जब जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो उनकी तरफ से हमेशा एक खिलाड़ी जो कि अपनी तलवार को तेज करके खड़ा होता है उसका नाम है विराट कोहली, और अभी भी वो बंदा है। जब तक विराट कोहली टीम इंडिया के अंदर मौजूद है मैं कहूंगा पाकिस्तानी बॉलर्स को उसके बच के रहना चाहिए, बिकॉज वो बंदा ऑल ऑन अकेले पूरी की पूरी लंका पलट सकता है, लंका कहां से आ गया, वो पूरा का पूरा गेम पलट सकता है। अभी भी मैं आपको बता दूं सो यहाँ पे बाबर आजम को भी बहुत काम करने की जरूरत है, शायद अयूब की वजह से पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो बिगड़ सा गया है। सो पाकिस्तान को कोशिश यही करनी है कि स्टेबिलिटी एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर जो कि रिजवान और बाबर प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर शाहीन शाफरीदी की बॉलिंग, देखिए जब गेंद स्विंग नहीं हो रहा है और गेंद आगे करते जाते हैं फिर उनको मार पड़ती है, उनको लेंथ बॉल डेवलप करना है, उनको चेंज ऑफ पेस डेवलप करनी है, स्पेशली जब उनको पिच से कुछ खास मिल नहीं रहा है। उसके बाद आजम खान की बैटिंग अगेंस्ट पेस प्रॉब्लमैटिक है, इसलिए कि जैसी जैसी बड़ी टीम्स उनके खिलाफ खेलेंगी उनको एनालाइज करेंगी, शॉर्ट बॉल भी करेंगी, उनको बॉडी में गेंद रखेंगी और उनके कम्फर्ट जोन से उनको बाहर निकालेंगे। सो उनका स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन तो बहुत अच्छा है, पेस के अगेंस्ट अच्छा नहीं है। सो पेस के अगेंस्ट क्या करना है आजम खान को, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इमाद वसीम आउटस्टैंडिंग उनका दिन था और उनको बहुत पहले खिला देना चाहिए था, मुझे नहीं पता उनको क्यों बाहर बिठाते रहे, क्योंकि उनकी बॉलिंग में एक उनकी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज थी, पॉइज था,
और मुकाबला उन्होंने बहुत अच्छा किया, बॉल के साथ बैटिंग बहुत अच्छी की, पूरी अपनी अकल के साथ वो खेलते हैं। सो ये एक प्लस पॉइंट है। इसी तरह से इफ्तिखार अहमद भी, देखिए ये 20-20, 22-22 रन करके जब आप आउट हो जाते हैं तो ये आप मैच नहीं जिताएंगे, चाहे आपका स्ट्राइक रेट 120-130 क्यों ना हो। और बाबा रिजवान की बात करें, सेम वही चीज है कि रिजवान भी वर्ल्ड कप में रन्स बनाएंगे, लेकिन ये मैं नहीं यकीन के साथ कह सकता कि वो रन्स पाकिस्तान की जीत के काम आएंगे या पाकिस्तान को हराने में काम आएंगे। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि रिजवान, बाबर और फखर जमान को निकाल लेना, बाकी किसी पे ये भी उम्मीद नहीं है कि वो रन्स बनाएंगे। ठीक है, इनका फिर भी यह है कि चले ये रन्स बना लेंगे, स्लो बनाएंगे तेज बनाएंगे वो अलग बात है, लेकिन बना लेंगे। ठीक है, इंडिया के टॉप ऑर्डर की बात करें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल। अब जायसवाल आईपीएल में सेंचुरी बना के आया, कमाल खेला है, रोहित शर्मा भी सेंचुरी बना के आ रहे हैं भाई, कमाल खेले हैं रोहित शर्मा भी आईपीएल में, बेशक उनकी टीम अच्छा नहीं खेल पाई। विराट कोहली की क्या ही बात करें भाई साहब, सबसे ज्यादा रन आईपीएल में बना के आए विराट कोहली, यानी कि विराट कोहली बड़े खतरनाक किस्म के मूड में नजर आ रहे हैं हमें आईपीएल में। और विराट कोहली की अगर बात करें तो कई बार विराट कोहली जो पाकिस्तानी बॉलर्स की अच्छी खासी जो है धुलाई कर चुके हैं, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब मैच होता है ना तो भाई साहब विराट कोहली वैसे ही जो है वो डबल जो है वो ताकत के साथ आते हैं, और हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली बड़ा रन बनाते हैं। और बाकी अगर उसके बाद आप देखें ना, सूर्या कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, ये जो है वो तीन आते हैं भाई साहब जिनमें दो विकेट कीपर हैं और एक सूर्या तो टी20 का नंबर 1 बल्लेबाज है। पाकिस्तान की बात करें, उस्मान खान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद। अब यहां पर बात की जाए सूर्या कुमार यादव, कोई मैच नहीं आई पाकिस्तान के, जो तीनों मैंने नाम लिए हैं ना इनमें एक फखर जमान ऐसा बल्लेबाज है जो सूर्या की तरह बैटिंग कर सकता है, वो भी सेम सूर्या की तरह नहीं, क्योंकि सूर्या तो भाई अनबिलीवेबल खेलता है, वो जो शॉट्स मारता है वो फखर जमान भी नहीं मार सकते। ठीक है, लेकिन फखर जमान का ये है कि वो एक खतरनाक पाकिस्तानी टीम में अगर देखा जाए ना सबसे खतरनाक बल्लेबाज और एक मैच विनर या बड़े मैच का प्लेयर जो मुझे लगता है ना, वो मुझे फखर जमान लगता है। फखर जमान खड़ा हो तो हमें ये होता है कि यार मैच पाकिस्तान जीत सकता है, बाबर या रिजवान खड़े हो तो हमें ये होता है कि यार मैच तो बढ़ गया। और खास तौर पे जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को मुसीबत का शिकार करेगा ना जी, वो आपका कुलदीप यादव है। इसको तो हम समझ ही नहीं पाते, हमारा जो किंग है सो कॉल्ड वो भी नहीं समझ पाता, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कुलदीप यादव का शिकार होता है। फिर उसके बाद हमारे कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जो जडेजा की तेज गेंदों का शिकार बन जाते हैं। जडेजा अपनी तौर पे एक बड़ा जबरदस्त बॉलर है, फिर चहल काफी अरसे के बाद जो है उसकी चहलकदमी शुरू होने लगी है, और मुझे लगता है वो पाकिस्तान के बल्लेबाजों के ऊपर अच्छी खासी चहलकदमी करेगा जब उसको मौका मिलेगा। फिर आप देख लीजिए कि वो लड़का जो है अक्षर पटेल, मतलब ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड बॉलर, और स्पिनर उनके सारे जो है आपको कोई लूप होल नजर नहीं आता, उनकी टीम में कोई स्पिनर ऐसा नहीं है जो। दोस्तों, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का मैच 9 जून को होगा, और इस मैच के अंदर भाई पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि जो मोहम्मद आमिर है उनकी तरफ से जो बॉलिंग करेंगे पाकिस्तान की तरफ से, तो वो जो हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को टिकने नहीं देंगे मैच के अंदर, ऐसा पाकिस्तानियों का मानना है। और इतना कॉन्फिडेंस है पाकिस्तानियों को भाई इस मैच के अंदर जो है इंडिया को पाकिस्तान आराम से हरा देंगे, और जो विराट कोहली के अगेंस्ट जो बॉलिंग होगी उनकी और रोहित शर्मा के अगेंस्ट जो बॉलिंग होगी उसके अंदर भाई जो मोहम्मद आमिर है उसका एक अहम रोल होगा, और इंडिया की जो टॉप क्लास बॉलिंग है और टॉप क्लास बैटिंग है वो भाई पाकिस्तानियों के आगे टिक नहीं पाएगी, ऐसा पाकिस्तानी बोल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन जब मुकाबला होगा और 9 जून को आमने सामने होगी टीम, उस टाइम पता चलेगा। लेकिन अभी पाकिस्तानियों की हालत ये है कि आयरलैंड जैसी छोटी छोटी टीमों से ये पाकिस्तानी हार रहे हैं और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन जब सामना होता है इंडिया की टीम से तब इनको पता चलता है कि भाई मैचेस कैसे खेले जाते हैं। अभी इंग्लैंड के साथ जो इनकी जो T20 की सीरीज चल रही है उसमें भी इनकी हालत ख़राब हो चुकी है, अभी एक मैच पाकिस्तान हार चुकी है, पहला था वो बारिश से ड्रॉ हो गया था, बारिश की वजह से नहीं हो पाया था, दूसरा मैच इंग्लैंड जीत गई, और तीसरा मैच अभी भी पॉसिबिलिटी है कि बारिश होगी या नहीं होगी, बारिश का कुछ चल रहा है, और उसके अंदर एक जो इंग्लैंड का एक मेन प्लेयर है वो भी उसमें अभी है नहीं, तो देखना ही है कि वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं भाई उनकी जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है वो चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, या फिर इंडिया की टीम के सामने पाकिस्तानी भाई कितना अपना दम दिखा पाते हैं। आज वीडियो में इतना ही, वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक करना, चैनल अपना चैनल सब्सक्राइब करना, तो वीडियो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।